वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक्स, उर्दू बुक 3 पेज नंबर 36। एंड हमने प्रीवियस लेक्चर में अपना जो फर्स्ट लेसन है उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली थी, और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेसन नात। वो हक की बातें बताने वाले, वो सीधा रास्ता दिखाने वाले, वो राहबर रहनुमा हमारे, नबी हमारे, नबी हमारे। बुलंद नबियों में नाम उनका, फलक से ऊंचा मकाम उनका, हमारे हादी खुदा के प्यारे, नबी हमारे, नबी हमारे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसने ये नात लिखी है उनका नाम है सूफ़ी तबस्सुम। और यहाँ पे ये जो खास अल्फाज हैं वो हैं हक, राहबर, बुलंद, फलक, हादी। इनकी आपने इमला की प्रैक्टिस करनी है बार बार, यानी कि इन्हें ज़ुबानी लिखना है आपने, ताकि आपको लिखना है। इसके अलावा जितने भी अंडरलाइन हुए हुए हैं अल्फाज, इन सब की आपने अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करनी है लिखने की, ताकि आपकी जो इमला की मिस्टेक्स हैं ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं और आपकी उर्दू की जो बेस है वो अच्छी बने। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम पेज नंबर 37 की तरफ। यहाँ पर हमारे पास है मश्क, हरूफ जोड़ें और पढ़ें। यहाँ पे असल में हे नहीं पूरा आएगा, हे का हिस्सा आएगा। ठीक है, हे का हिस्सा, काफ साकिन, हक। ठीक है, आपने हक इस तरह से राइट कर देने। नेक्स्ट है वाओ और हे। ठीक है, वो इस तरह से बनेगा, ये तोड़ हैं और ये जोड़ हैं, इस तरह से आपने इनको राइट करना है। नून, यहाँ पे असल में नून का हिस्सा आएगा ऐसे, नून का हिस्सा अलिफ, नून अलिफ ना और मीम साकिन, नाम। ठीक है, इस तरह से आपने नाम लिख देना है। यहाँ पे फे का हिस्सा आएगा, फे का हिस्सा लाम, काफ, काफ साकिन है। ठीक है, फलक, साकिन इसलिए कहते हैं कि जब इससे आगे कोई और लफ्ज़ नहीं आता तो इट्स मीन कि यहाँ पे साकिन है, यहाँ पे लफ्ज़ जो है वो ख़त्म हो चुके हैं हर्फ जो हैं, क्योंकि डिफरेंट जो हर्फ हैं मुख्तलिफ हरूफ को मिलाने से एक लफ्ज़ बनता है। ठीक है, हरफों को मिलाने से। ये फे भी एक अलग हर्फ है, लाम भी अलग हर्फ है, काफ भी अलग हर्फ है, इसलिए इन सब को मिलाने से हमारे पास क्या बन रहा है, हरूफ का जो मजमूआ होता है वो लफ्ज़ कहलाता है। ठीक है, तो इन तीनों को मिलाने से हमारे पास लफ्ज़ बना है फलक। ठीक है, तो ये सारे हमारे हरूफ हैं। हे अलिफ हा दाल छोटी ए दी हादी। ठीक है, तो आपने इस तरह से हादी लिख देना है। इसी तरह आपको जो इमला के लिए अल्फाज दिए हैं उनकी आपने अच्छी तरह से इसी तरह तोड़ बना के प्रैक्टिस करनी है, इस तरह से आपको अच्छी समझ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, दुरुस्त अल्फाज, दुरुस्त लफ्ज़ के गिर्द दायरा बनाना है आपने। हक हक हक, तो ये भी रहोगे हमारे पास, ऐसा भी कोई लफ्ज़ नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता, इट्स मीन कि ये होता है हक। ठीक है, मकाम मकाम मोकाम, तो ये बिल्कुल ठीक है, इस पर आपने टिक करना है, ये असल लफ्ज़ होता है मुकाम। बुलंद बालंद और बुलंद, ये यानी कि ये बिल्कुल रॉन्ग अल्फाज हैं, जो असल में हकीकी अल्फाज हैं उन पे आपने टिक करना है। फालक फलक फलक, ठीक है, तो ये फलक होगा। आसमान, सीधा सीधा सदा, तो ये हमारे पास आएगा सीधा। ठीक है, सीन का हिस्सा, छोटी ए का हिस्सा, दाल दो चश्मी है, अलिफ हा सीधा, इस तरह तोड़ करके रीडिंग करने की कोशिश किया करें, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको इमला भी अच्छी आ जाएगी। अल्फाज को दुरुस्त तरतीब देकर मिसरा मुकम्मल करें। ठीक है, बताने वाले वो हक की बातें, अब इनको जैसे आप इंग्लिश में रीअरेंज करके लिखते हैं, वर्ड्स आगे पीछे लिखे होते हैं, आपने उनको रीअरेंज करना होता है, इसी तरह से आपने इनको भी रीअरेंज करना है और इस तरह से आपने लिखे लिखना है वो हक की बातें बताने वाले। अब देखिए ये सारे अल्फाज जो इधर लिखे हैं तरतीब से लिखे हैं वो यही हैं सारे, वो हक की बातें बताने वाले, आपने इस तरह से राइट कर देने। नेक्स्ट है हमारे पास नाम उनका, बुलंद नबियों में, अब इसको आपने रीअरेंज करना है, ये आप रीअरेंज करेंगे नात में जैसे हमने रीड किया है उसकी मदद से, बुलंद नबियों में नाम उनका। ठीक है, ऐसे बुलंद नबियों में नाम उनका, देखिए वही सेम है लेकिन हमने रीअरेंज किया है इन्हें। मकाम उनका फलक से ऊंचा, ठीक है, तो
तो अब नात में जिस तरह से था हमने उसी तरह से करना है, फलक से ऊंचा मकाम उनका, इस तरह से आप लिखेंगे। खुदा के प्यारे हमारे हाथी, ठीक है, तो हम नात के अकॉर्डिंग अगर हम लिखते हैं तो हमारे हाथी खुदा के प्यारे, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है अभी डन होती है, यहाँ पे आपने ये सारा क्लास वर्क करके मुझे अभी पिक्स सेंड करनी है और इसको अच्छी तरह से लर्न करना है और इमला की प्रैक्टिस करनी है अगेन एंड अगेन, और इनको भी अच्छी तरह से बार बार राइट करके देखना है नोटबुक पे। इसके बाद जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।